ओके सो हेलो स्टूडेंट्स, मुझे दिव्य रंजन स्वागत करुच्छे आप समस्त विंग्स एकेडमी चैनल को। तो आज आम डिस्कस करवा कि कौन बिना वैक्सीन रे आम कोरोना रोग को परास्त करी। अच्छा आंसर यार जदि मुझे स्ट्रेटली आंसर देवे दे येस आम कोरोना रोग को बिना वैक्सीन परास्त करपर। बट दैट प्रोसेस विल टेक टू लॉन्ग, बहुत लंबा प्रोसेस हो जिनसटी। तेज केमी जदि आम परास्त करपर तो से जिनसटी हूँ इम्यूनिटी। आमर सरकार वो आयुष मंत्रालय कि बहुत सारा डॉक्टर आमको बार बार कहते कि निजर इम्यूनिटी को स्ट्रंग रखु। तेज इम्यूनिटी तो आम जेनेली जाने कि मानव शरीर रोग प्रतिरोधक शक्ति को आम सीधा सड़क भाव में इम्यूनिटी कही था कि नहीं। तो रोग प्रतिरोधक जो शक्ति थाए जोटा कि मानव शरीर को विभिन्न रोगर रक्षा कैर ताक आम जेनेली कही था कौन इम्यूनिटी। तेज हर्ड इम्यूनिटी मान कौन जेतेबेले गोटे मानव गोष्ठी संपूर्ण रूप से ओके जणे कि दुई जण नुहे जेतेबेले गोटे मानव गोष्ठी संपूर्ण रूप से गोटे वायरस बा बैक्टीरिया अगेंस्ट रे लड़ीबा सीखी जाए ओके ऑटोमेटिकली बिना मेडिसिन रे से रोगटी मानव शरीर को बेसी परिमाण रे अफेक्ट कर पारे। मुझे गोटे एग्जांपल दौर जमीक आम कॉमन फ्लू जितेबाला कॉमन फ्लू स्टार्टिंग रे थिला कॉमन फ्लू भी बहुत भाव में मारात्मक थिला एवं बहुत परिमाण में जीवन नौला। ओके कॉमन फ्लू तो बहुत पुराना कथा छाड़ू एवं रिसेंटली गोटे जिनस आसाला स्वाइन फ्लू हाँ कि नहीं। स्वाइन फ्लू जोटा घुषुरी मान व्यापी तेज स्वाइन फ्लू जो आसी से बहुत संख्यक लोक मृत्यु मुह को ठेल देता हाँ कि नहीं। किंतु वर्तमान जब आप स्वाइन फ्लू हो डॉक्टर आपको सीधा कहते किसी व्यस्त होबार नहीं आप घरे रेस्ट करूँ ना कि गोटे दुटा टैबलेट खाई दिंतु आपण मैंने जल्दी ही ठीक होते। तेज यही जिनसटी हूँ हर्ड इम्यूनिटी ओके। तो जितेबले मनुष्य शरीर कौन से एक बैक्टीरिया बा कोरोना प्रति देहसुआ हो जाए तेरे मनुष्य शरीर से वायरस बा बैक्टीरिया प्रति लड़ा ऑटोमेटिकली सीखी जाए। मनुष्य जो सिक्यूरीटी सिस्टम रही मनुष्य को प्रोटेक्ट कर सब जिनसर सी ऑटोमेटिक अधिक पावरफुल हो जाए और ये सब जिनस लड़ा सीखी जाए। मात्र एमती हाँपी बहुत परिमाण टाइम लगे। हर्ड इम्यूनिटी जोटा अच्छे से आम नेचुरली भी डेवलप कर वैक्सीन द्वारा भी डेवलप कर वैक्सीन द्वारा किपर आम हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो तार गोटे एग्जांपल हूँ इंडिया रे पोलियो रोगर जीरो केसेस ओके हाँ कि नहीं। तो आम जमीक जाने कि इंडिया पोलियो रोग को संपूर्ण भाव परास्त कर देती से केवल आ केवल पोलियो वैक्सीन जो हाँ कि नहीं। तो यहीपरी भाव में आम वैक्सीनेसन द्वारा मैं हर्ड इम्यूनिटी को डेवलप कर हर्ड इम्यूनिटी जो इम्यूनिटी अच्छी से आटलिस्ट गोटे सोसाइटर 80% के 80% लोकों देहरे डेवलप करने कथा मानने प्रति पांच जन चार जन ठीक अच्छे। तो आशा करुच्छी आपने निश्चित भाव में हर्ड इम्यूनिटी को बुझीपारी ओके। तो ये चलत आउ गोटे न्यूज आम आज आसिक पहुँची कोरोना सम्बन्धी तापर टे नजर पकेबा। तो यहाँ ओके सो यहाँ हूँ यूके ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी रू यूके ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी डेवलप कर गोटे वैक्सीन जार कि फर्स्ट फेज ह्यूमन ट्रायल सक्सेसफुल किसी दिन पूर्व आमको रशिया मिली गोटे न्यूज रशिया सेनोव यूनिवर्सिटी ओके रशिया सेनोव यूनिवर्सिटी आमको मिली न्यूज जो सेठे फर्स्ट ह्यूमन स्टेज फर्स्ट स्टेज ह्यूमन ट्रायल जो अच्छी से सक्सेसफुल। तो वर्तमान यूके ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो कोविड 19 ह्यूमन ट्रायल फर्स्ट फेज तो सेटा भी सक्सेसफुल मात्र यार किछिटा साइड इफेक्ट रही मात्र से साइड इफेक्ट गुड़िक अधिक इफेक्टिव नुह। सो एमती कहुपर कि जनरली कैंडिडेट सेफ अच्छा आमर जो सब्जेक्ट थे जे स्वेच्छासेवी थे से कम्प्लीटली सेफ अच्छा मात्र किछिटा साइड इफेक्ट अच्छे जोटा कि रिजल्व कर ओके। तो ये आपड़ चलत जानवा कि ए संबंध में अधिक किसी तो यही संबंध में अधिक कोरोनार जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो टेस्ट करते कौन कहते से कहते कोरोना वायरस वैक्सीन डेवलप्ड बाय यूके ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड एस्ट्राजेनेका ओके एंड एस्ट्राजेनेका जो मेडिकल कंपनी अच्छी ताद्वारा यहाँ यूज डेवलप कराई दिस इज सेफ एंड इंड्यूस इम्यून रिएक्शन ओके। तो इम्यून जो अच्छी आम शरीर जो इम्यून सिस्टम अच्छे ये अधिक परिमाण इंड्यूस करुच्चे अधिक परिमाण ये सशक्तिकर कर ठीक अच्छे ओके। नेक्स्ट अच्छी जे आज पर द प्रिलिमिनरी आज पर द प्रिलिमिनरी रिजल्ट मेडिकल जर्नल द लैंसेंट सेड ट्रायल्स इनवल्विंग अराउंड 1077 पीपुल सोड द इंजेक्शन लेड टू देम मेकिंग एंटीबॉडीज एंड व्हाइट ब्लड सेल्स दैट कैन फाइट कोरोना वायरस। तो जनरली आम ब्लड रे एंटीबॉडी एटा डेवलप करी आउ गोटे गुड न्यूज है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी सहित इंडिया मध्य मिसिके काम करुच्छी
ଓକେ ତ ଇଣ୍ଡିଆ ମଧ୍ୟ ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ଼ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ମିଶିକି କାମ କରୁଛି ଏବଂ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର କହିବା କଥା ଅନୁସାରେ ଯଦି ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ରୁହେ ଓକେ ଯଦି ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଜ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଟ୍ରାଏଲ୍ ଥାର୍ଡ଼ ଷ୍ଟେଜ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଟ୍ରାଏଲ୍ ଦୁଇଟା ଯାକ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୁଏ ତ 2020 ଏଣ୍ଡକୁ ମାନେ ନଭେମ୍ବର କି ଡିସେମ୍ବର ଆଡ଼କୁ ଆମ ପାଖରେ 1 କରୋଡ଼ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ସ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିବ ଓକେ ତ ଜେନେରାଲି ଏଇଟା ସେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଦରକାର ପଡ଼ିବ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଫେଜ୍ରେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ କରିପାରିବା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱର ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ଏଇଟା ପ୍ରତି କରାଯାଇପାରିବ ତେବେ ଅତି ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଯଦି ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ରହିଲା ତେବେ 2020 ଏଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ନଭେମ୍ବର ଟୁ ଡିସେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ପାଖରେ 1 କରୋଡ଼ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ସ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଥିବ ତ ଯେପରି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଇଣ୍ଡିଆ ହେଉଛି ୱାର୍ଲଡ଼ରେ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟିଂ କଣ୍ଟ୍ରି ଓକେ ଇଣ୍ଡିଆର ଯେଉଁ ମେଡ଼ିକାଲ ସାଇନ୍ସ ରହିଛି ସେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିପାରୁଛି ଚାହେ ସେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଯେଉଁଠି ବି ଉଦ୍ଭାବନ ବା ଡିସ୍କୋଭରି କରାଯାଇଥାଉ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଆଶାବାଦୀ ରୁହନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ ନିଜ ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ ନିଜେ ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ନିଜ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ସମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତୁ ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ହିଁ ଧନ୍ୟବାଦ।